कश्मीर नीना गांव गांव ढाली ढाली जा पड़ो संघर्ष नीना कद पद बातों को नहीं करू जैसे भी जरूरत पड़ी लड़ाई लड़ रही सत्ती से कौन रहे लोग हाथ और अधिकार रही तो मजबूती मीना उम्र से लड़ाई लड़ी है और विश्वास कर रहा हूं आप सबाना कि आप हमारे जाएंगे मीना भी जेल के भी जरूरत ये छोटे भाई रविंदर ही रही सत्ती से कौन रहे वहां से मजबूती में तैयार रही थी चीजों विश्वास आप राजनीति के माध्यम नहीं राजनीति में आयो तो एक अच्छा पत्र लड़को कद जीवन में बिना सोच को नहीं सके कि जोधपुर विश्वविद्यालय जेडी पश्चिमी राजस्थान की संख्या मोटी यूनिवर्सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़पा है पर सत्ती सी कौम रहे साथ और सहयोग की बदौलत वह तमाम युवा साथी और सहयोग की बदौलत वह आशीर्वाद की बदौलत आप रो छोटो भाई उपे विश्वविद्यालय रो 57 साल के इतिहास में का पहली बार मिलते हुए साथ में आते मैं छात्र राजनीति के दौर में मोए कई सारा आंदोलन हुआ कई सारा प्रदर्शन हुआ जेल के भी वोटियां वाली बात आगे की जरूरत पड़ी हाल भाई रविंद्र उम्मीद का हमारी बात राखी और नारो काम हतो और नारो कर्तव्य हतो मैं नारो कर्तव्य की बात ना करी 3 साल का कार्यकाल मिलो और उसी दौरान आप सभा मोटे आप सभा में मिलन को मिला मौको मिलो और 3 साल का कार्यकाल निकालने के बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो मैं विधानसभा का चुनाव ने बोए मैं प्रयास करियो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल हुए रो पर साहब भारत जोग ने मीना थोड़ो टिकट आओ ले रही कम है मैं प्रयास करियो कि राष्ट्रवादी विचारधारा ने भेड़ो रे काम करा क्या कि जदे हूं जोधपुर विश्वविद्यालय में ना तो उवी टाइम भी परिषद में टिकट मांग तो तेई से बिना भी उवी पार्टी में टिकट मांगियो पर स्थितियां परिस्थितियां कहीं अलग रही क्या कि म्यारी पैर भी करना लो कोई कोई मोटा मोटा लोगा ना मोटा मोटा नेता ना लाग तो किसान में 25 साल लो लड़को अगर आज आगे आए तो अगर साथ से बातों जो आज कह पड़ी हुए कह ना क्यों तो कह के महासभा में नुकसान होता है और मेरे अलावा भी कई सारा कारण रहा जिसके कारण मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ियो पर वो धन्यवाद दे लो तो ये मंच ने माध्यम मेरा सेवरी हुए देश तो ले जनता ना जिका एक साधारण परिवार हुआ उन्होंने युवा समाज का भरोसा जतायो जिके का प्रदेश संगा मोटी पंचायत में मीना पहुंचायो ये लायक समझियो वे तमाम धरती सी कौम रे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं प्रदेश री हुए संगा मोटी पंचायत में मीना समान कम उम्र रो तो समारोह खूब साथ और सहयोग भी रहो और 3 महीना रे मीना जिको बात जिको मुद्दा उठाना था उन्हें मजबूती में ना उठाऊं रो प्रयास भी आप रे छोटे भाई रविंदर करियो और मेरा वो काम है और मेरा वो फर्ज है बढ़िया विधायक की जल्दी बड़ी ये बीच में ना टिकट डिक्लेयर हुए पार्लियामेंट का टिकट अनाउंस हुआ और जय अनाउंस हुआ तो पूरा बारहवें जैसलमेर और बालोतरा और सत्ती से कौन रहा लोग आया उन्हें कह रहे मजबूती बिना चुनाव लड़ो ये क्षेत्र की बात करो ये क्षेत्र लोग आ रहे हक और अधिकार वास्ते आगे आओ मैं उन्होंने कह रहा साहब कि मैं मेरे तो मोटा संसाधन को नहीं है साधारण परिवार हुआ हूं एक चुनाव पे लड़े आयो हूं दूसरा चुनाव लड़ा इतनी सदा को नहीं है पर वो तुमको विश्वास मैंने दिलायो जुको वो साथ में ना दियो वो जुको भरोसा मैंने दिलायो तो मेरा बलबूता रे माते वो
वो सत्ती सी कौन रहे लोगा रहे आदेश रहे बात है आप रो भाई रविंदर ये रन भूमि रवि ना उतरे वो 26 तारीख ना तमाम हुआ लोगा ना मैं कहो कि साहब लड़ाई बहुत मोटी है ये लड़ाई में मीना अगर वो आज उतरे हो तो उसे याद राजा में आई गाड़ी ने मीना रिवर्स गियर बोलिए बात हो गई तो मन में जस मेरा मनोदारी जो जनता है जो इतना साल तक विकास आवास से त्राहिमाम कर रही है मूलभूत सुविधा वास्ते तरसे पड़िया जो पानी ने वास्ते तरसे पड़िया जो रोजगार ने वास्ते तरसे पड़िया जो शिक्षा ने वास्ते तरसे पड़िया यारी बात को ढाक से मजबूती में आगे आई है वास्ते लाइ आगे आ रहे हो और स्थिति दी थी परिस्थिति देखी आज तारीख रमीना बाद में दसवीं और मालोत्रा रमी हजारों तरीके ने मल्टीनेशनल कंपनीज है मैं कोटे कई सारा मोटियार भाई आया कि साहब हर वास्ते बात करो मैं सरकार की ना वार्ता ना दौर में ना कहो कि साहब ये क्षेत्र वास्ते कहीं ना कहीं करो ये क्षेत्र मोटियार ना कहीं दियो मारा उन जो जूनियर आदमी है था जो पिता तुले बुजुर्ग था वो मजबूत था जो को बाहर जाए भी रोजगार कर लियो मेहनत कर ली पर आउन वाली पीढ़ी ना मारे तो रोजगार देने की जरूरत है ताकि उन्हें ना बाहर के पैसा नहीं हो पाए आज ये कई सारा हमारा पिता तुम्हें बुजुर्ग बेटा है जो 25 साल पहले 30 साल पहले अहमदाबाद आया देश रे अलग कलर खूड़े नहीं ना गया पर भैया आपने टाइम में स्थिति हो रही थी कि साहब रोजगार है टाड़ा पांगुड़े कोई संसाधन को नहीं था अपना बाहर जानू एक मजबूरी थी ते सब चाहो कि आने वाली पीढ़ी भी आप जहाँ संघर्ष करे आप जहाँ मार फिरे या आप चाहो कि साहब हुआ ना उम्मीद का रोजगार मिले आप ना तय करो है फैसलो आप रहे हाथ में याद मन है कि यार ये तमाम लोग ना तमाम ये मोटियारा ना वो रोजगार हो तो कब करो वो रोजगार की बात देश में संगा मोटी पंचायत रे मीना रखा आज जब ये लड़ाई शुरू करना हो तो कई सारा मोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टियां कई सारा साजिश और षड्यंत्र कर लगा उन्हें मोटा मोटा स्टार प्रचारक बुलाया सब एक हुआ उन्हें लागो कि रविंद्र भट्ट बात को कर ले है पर उन्हें ना कहना चाहूं सत्ती सी कौम रे लोग और साथ और सहयोग रविंद्र भट्ट आप सभा में निवेदन रहे हैं कि आने वाली 26 तारीख का चुनाव है चुनाव का टाइम बहुत कम रही है हूं भी लगातार रात और दिन दौड़ा पड़े सुबह 5 बजे पहुंचे हुआ हमें अहमदाबाद में कार्यक्रम करे और ये बात मीना सूरत जाई और सूरत रे मीना भी पूरे रास्ते सब भाइयों मीना मिली वहां ना निवेदन करी कि एक दिन रो टाइम वो 26 तारीख रो टाइम अब आप रे भाई रविंद्र वास्ते जरूर निकलया एक आसार उम्मीद ले हूं आप सबारे बीच में आयो एक भरोसो ले आयो हम कि आउन वाली 26 तारीख का आप सब टाइम काले छोटे भाई रविंद्र ना आशीर्वाद देने वास्ते जरूर और जो भाई सिगारो वोट नहीं लागे हुआ मेरा थोड़ो है कि आपने आस पास जितना भी भाई है हुआ ना निवेदन आप जरूर करया ये चीज भी आता जोड़ी हूं करे ना आयो तो आप सब मेरा होता भाइयों ना पीड़ा सावर देना आयो हुआ कि हिम्मत ना क्या ये लड़ाई ना मेरा आप सब साथ और सहयोग दिया हूं दावे रे बैठूंगा हूं विश्वास रे बैठूंगा यार ये जनता रो कदी मान कम को ने बढ़ गया ये जनता रो मान एक
कि अगर मोटिया थान ले, अगर यूथ थान ले, तो कितना ही मोटा मोटा शहर पत्थर क्या नहीं है सब छत्तीसगढ़ को हमारा लोग इसके जो इतिहास बिना पंद्रह प्रतिशत आईटी होती तो कदे ही सेटलमेंट करे घर बैठ जाता कदे ही मार घर बैठ जाता पर बिना कोई पद और प्रतिष्ठा को नहीं चाहिए बिना तो ब्याह है इतना भाई यार और मान और सम्मान यार हक है अधिकार कोई तरीके रो कलंक कोनी है कोई तरीके रो दाग कोनी है जदे खुले तरीके बिना बोले सका खुलो वे चुनाव लड़े सका आप सामने बिच में आए सका जे अगर मैं माते कोई दाग हो तो जे कोई इल्जाम हो तो शायद हूँ आज आप रे बिच में कोनी रे बात हो पर वो विश्वास करो आप समाना जीवन भर जदे तक राजनीति रे मेरा रही हमेशा यहाँ बेबाक रही बेदाग रही यार भैया आज जो को जोश था बतायो है ए जोश पेटी तक पुगाणो भी जरूरी है नारा दे या जकारा लगाओ नहीं काम को नहीं चले ए 26 तारीख तक जितो टाइम काट सको तो टाइम काटिया जो को टाइम नहीं काट सको वो फोन माता धार छोटे भाई रविंद्र जी भावर जरूर जाए ये लो हाथा जोड़ी करे मारो फोन आप सब छोटे भाई जमाते हैं मैं भाग गया आप सब बड़े हिम्मत कराया बड़ी आशा उम्मीद ले जाए भारत माता की जय।